दो प्रोग्राम रिवर्स दी टू डिजिट नंबर राइट, जैसे 52825 थ्री डिजिट नंबर 562265। बहुत सिंपल है, कोई कंसेप्ट का इसमें आपको पहले मैथ सोचो। हमेशा प्रोग्राम में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि ये चीज़ें सोचते हैं कि ये डिफ़िकल्ट है, ऐसा है वैसा है, ना पहले पेन पेपर लेके मैथ्स पे सोचो कि ये कैसे मुमकिन है पेन पेपर से। ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि मेरा एक नंबर है 52, ठीक है, और इस 52 को मुझे करना क्या है, रिवर्स करके 25, ठीक है ना। तो इस 52 को आप डिवाइड करके देखो, राइट, दिस इज़ हाउ यू कैन डिवाइड। 52 को डिवाइड करोगे किससे करोगे, डिवाइड दिस नंबर विथ 10। सो 10 फाइव्स आर 50, ओके, व्हाट इज रिमाइंडर, रिमाइंडर कम्स टू 2, ठीक है, रिमाइंडर आ गया 2। तो अब आप देखो 2 और 5 सेपरेट हो गए कि नहीं। सो मैं अगर इसको बोलूँ कि दिस इज माई वन वेरिएबल कॉल्ड कोशेंट दैट इज क्यू, दिस इज अनदर वेरिएबल दैट इज कॉल्ड आर रिमाइंडर, तो मैं रिमाइंडर को कैसे फाइंड करूँगा। ये मेरा वेरिएबल है एन, है ना, दिस इज माई वेरिएबल एन, ओके। तो इसकी फार्मूला क्या बनेगी, आर इज इक्वल टू क्या होगा, एन मॉडुलस 10, आर इज इक्वल टू एन मॉडुलस 10 हो जाएगा ना। अब क्यू कैसे निकलेगा, क्यू इज इक्वल टू एन फ्लोर डिविजन 10। अभी आपके पास 2 आ गया, तो रिवर्स जो आपको होगा क्या होगा, जो आपका आर है उसको मल्टीप्लाई करो 10 से, प्लस क्यू कर दो। अभी आर की वैल्यू क्या आई, 2 इंटू 10 दैट इज कम्स टू 20, देन प्लस किया क्यू, क्यू की वैल्यू क्या है 5, व्हाट इज 20 प्लस 5, दैट गिव्स यू आंसर 25। क्या नंबर क्या था बेटा, हमें क्वेश्चन और रिमाइंडर निकालना है ना, तो अब नंबर को सेपरेट कैसे करोगे, सेपरेशन ऑफ नंबर। सो दिस इज हाउ यू कैन डू, लाइक एन इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट, ठीक है, ये कर दिया एंटर एन। अभी आप क्वेश्चन निकाल रहे हो एन लो डिविजन 10, रिमाइंडर निकाल रहे हो एन मॉडुलस 10। अभी रिवर्स करोगे, रिवर्स में क्या बोला, जैसे रिमाइंडर आया उसको 10 से मल्टीप्लाई करो, क्वेश्चन को ले लो। अब आप कर लो प्रिंट रिवर्स ऑफ एन इस रिवर्स, चेक करो, राइट, रन करते हैं, देखो हमने नाम दिया 52, देखो 25 आया, हो गया राइट, 2 डिजिट का हो गया। अभी 3 डिजिट का दूसरा सेम, अब 3 डिजिट में क्या करोगे, यहाँ पे अगर आप 3 डिजिट नंबर ले रहे हो, राइट, जैसे नंबर ले रहे हैं 526, ठीक है, टेक्निकली देखा जाता, हम इतने होशियार ऐसे ही बोल देंगे सर 625, लेकिन ऐसा थोड़ी करना है हमें, है ना, हमें तो लॉजिक सोचना है कि मुझे इसमें से रिमाइंडर निकालना है, तो रिमाइंडर वापस वही काम आएगा, इसको 10 से डिवाइड करो, ठीक है, तो 10 52 जा, क्या रिमाइंडर आएगा, यहाँ 520 आ जाएगा, राइट, रिमाइंडर क्या आएगा, विल गेट आंसर 6 आ जाएगा ना, तो पहला नंबर आपको 6 मिल गया, यू गेट दिस आंसर 6। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, अब आपका जो 52 बच गया, ये 52 को भी डिवाइड करना है आपको, ठीक है, यू हैव टू डिवाइड दिस 52 एज वेल, ठीक है, 52 को कैसे करोगे, 10 से अगेन, सो 10 फाइव जा, क्या आंसर आया 50 भाई, हाँ रिमाइंडर आया 2। तो आप देखो टेक्निकली आपके पास 3 नंबर मिल गए, अभी यू गेट द 3 सेपरेट नंबर्स, कौन से, एक आपको नंबर चाहिए 6, दूसरा नंबर आपको चाहिए 2, तीसरा नंबर आपको चाहिए 5। अब आप इनको एक एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, अगर मैं 6 को एक वेरिएबल बोलूँ कि भाई ये वेरिएबल है मेरे लिए, तो मैं इसको एक नाम दे सकता हूँ कि दिस इज माई फर्स्ट नंबर एंड दिस इज माई सेकेंड नंबर एंड दिस इज माई थर्ड नंबर। अब इसकी फॉर्मूला क्या होगी, अगर एन वन बोलूँ तो ये 526 तो मेरा एन है, ठीक है, तो एन वन की फॉर्मूला क्या थी, एन को किया मॉडुलस 10, ठीक है, अब एन टू का कैसे निकाला, एन मॉडुलस 10 से आपका आया आंसर 52, फिर उसको मॉडुलस किया 10, आंसर आया ये, ठीक है। अब उसके बाद एन थ्री कैसे आया आपका, सॉरी एन आपका मॉडुलस नहीं, ये फ्लोर डिवीजन था, 52 फ्लोर डिवीजन है, ठीक है, फ्लोर डिवीजन क्या 10, ठीक है, और फ्लोर डिवीजन क्या 10, तो टेक्निकली अगर मैं यहाँ सीधा सीधा कर दूँ 100 तो भी चलेगा, ठीक है, तो ये मेरा बन गया। अब मैं रिवर्स कैसे करूँगा, जो एन वन आया मेरा, ठीक है ना,
उसको मल्टीप्लाई करो 100 से, एन टू को मल्टीप्लाई करो 10 से, और एन थ्री को ऐड कर दो ऐसे ही, तो आपका रिवर्स हो जाएगा। ये हो गया आपकी फॉर्मूला, करके देखो। ये देखो किया, कॉपी किया, ये यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ, एन ले लिया, ये देखो एन वन एन टू एन थ्री। ओके, अब रिवर्स क्या करेंगे, एन वन इंटू हंड्रेड एन टू दिस, ये भी हो गया। अब देखो रिवर्स ऑफ एन, सेव रन, 5 to 6 का 600 का हो गया, सिंपल।